सेवन ए, सेवन बी, सेवन सी, सेटल डाउन फास्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज. ओके, सो वी आर गोइंग टू, बट वी आर गोइंग टू ब्रीथ फॉर 5 टाइम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट इनहेल, एक्सहेल. सेवन सी, व्हाट इज हैपनिंग? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. सिंपल सेवन सी, मिडल रो, थर्ड लास्ट बेंच. बेटा सीधा होके बैठ जाओ. यस, सेवन थे बेटा. सिक्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. सो नाउ पहले सब आराम से बैठ जाओ, आराम से. ठीक है, बैठ गए सारे? सेटल डाउन. सिर्फ आपके डेस्क पे बेटा एक आपकी साइंस की नोटबुक होनी चाहिए और एक बुक होनी चाहिए. बुक अभी बंद होनी चाहिए, नोटबुक खुली होनी चाहिए. ठीक है, और एक पेन और एक पेंसिल ऑन योर टेबल. नथिंग एल्स, सिर्फ ये चीजें होनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, और मेरे कहने से पहले किसी की राइटिंग स्टार्ट नहीं होनी चाहिए. सबने कर लिया? नोटबुक निकाल लिया? ओके, सो आई कैन सी दैट. सो नाउ क्विकली सेटल डाउन स्टूडेंट्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ फास्टली. चलो जी, फास्ट फास्ट करते हैं. चलो, डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. नाउ रब योर हैंड्स फास्टली, जितनी जोर जोर से कर सकते हो जोर से करो, फटाफट. यस, सेवेंथ फर्स्ट बेंच गर्ल्स. यस, अब अपने आईज पे रख दो. नाउ रिमूव इट, अब हटा दो. ठीक है, सो नाउ विद इट एक्सरसाइज ऑल्सो. अब मुझे क्विकली बताओ, लाइट चैप्टर आपके क्लास में हो चुका है? यस, हैव यू डन? और इट स्टार्टेड, टेल मी क्विकली, क्विकली एवरीवन. स्टूडेंट्स, लाइट हो चुका है, चल रहा है और अभी नहीं हो रहा? बताओ, फटाफट बताओ बेटा. जिसके पास माइक है दैट मैम इज ड्यूटी. जिसके पास सामने माइक है उसके. अभी नहीं ओके, सो एवरी मैम, थिंग नो ओके. सेवन थे, सेवन थे. जिसके पास माइक है नाउ दैट टू स्टूडेंट, दोज टू स्टूडेंट्स आर मॉनिटर ऑफ माई क्लास. ठीक है, नाउ योर ड्यूटी टू टर्न ऑन माइक वेन एवर आई एम आस्किंग समथिंग. ओके, डिले, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द आर सेशन. सो टेल मी फर्स्ट थिंग, बट कैन यू रीड द क्वेश्चन? वट इज रिटन हियर? हु कैन रीड? हाउ कैन वी क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली? कौन बता सकता है ऑप्टिकली मतलब क्या होता है? कैन यू टेल वॉट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली? यस, ऑप्टिकली मीन्स रिलेटेड टू लाइट, रिलेटेड टू लाइट, बिकॉज वी आर स्टडिंग लाइट चैप्टर. सो हियर वी आर टॉकिंग और हियर वी आर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लाइट. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, हाउ कैन वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट और रिलेशन टू द लाइट? सो फॉर दिस आई क्विकली आस्क यू. ठीक है, सबसे मैं पूछूंगी, सबके फटाफट आंसर बोल रहे हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा. आप सबके क्लास में विंडो है ना? आप उस आपके कर्टन्स या ब्लाइंड्स लगी है, उससे आपको लाइट आती दिख रही है? कैन यू सी द लाइट? और अगर कर्टन हटा दो तो और ज्यादा नजर आएगी? और अगर कर्टन की जगह मैं वहां पर कोई वुडन रख दू, वुडन ऑब्जेक्ट रख दू, तो और ज्यादा नजर आएगी या कम नजर आएगी? कम नजर आएगी, या फिर हमें नजर ही नहीं आएगी, है ना? ऐसा होगा. अब हमने ये क्या किया? मैंने आपसे क्या पूछ लिया? ये
मैंने तो आपसे सिंपल ही पूछा कि विंडो है ना। आई आस्क यू कि हमारे पास, हमारे जो है स्कूल में ये विंडो है, ओके okay? अब इसमें से लाइट आ रही है। अगर यहाँ पर हमारा प्लेन ग्लास है तो लाइट पूरी की पूरी अंदर आ रही है, ठीक है। अब आपकी क्लास में मगर ब्लाइंड सर दैट आई कैन सी ओके फ्रॉम हियर। सो ब्लाइंड के कारण लाइट आ तो रही है, लाइट इज कमिंग बट नाउ वेरी लेस, इजंट इट? ऐसी आ रही है, कम आ रही है ना, मुझे थोड़ा थोड़ा सा दिख रही है कि थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है ब्लाइंड के थ्रू। और अगर मैं यहाँ पर ओके इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड और कर्टन, अगर मैं यहाँ पर एक वुडन जो है बॉक्स या पूरा कोई जो है लकड़ी का कुछ लगा दूँ तो लाइट यहाँ से जरा भी अंदर नहीं आएगी। सो ये क्या किया मैंने, व्हाट आई हैव डन, लाइट को ब्लॉक कर दिया। यस यस और नो, ब्लॉक कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ, लाइट तो आ रही थी पहले प्लेन ग्लास से, फिर हमने उसे थोड़ा कम किया, कैसे, कर्टन्स लगा के, और फिर हमने पूरा ब्लॉक कर दिया वुडन से। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, हाउ कैन वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लाइट को पूरी तरह आने देता है, कौन सा थोड़ा सा आने देता है, और कौन जो है जरा भी नहीं आने देता। एंड दैट यू ऑलरेडी लर्न्ड इन योर क्लास 6 इफ यू रिमेम्बर, रिमेम्बर ओके। सो वी ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट दिस 3 ऑब्जेक्ट्स दैट वी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच लाइट दे अलाउ टू कम और पास थ्रू देम, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो हाउ कैन वी रिमेम्बर, अब नाउ क्वेश्चन इज डिफरेंट, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ दिया था, सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस। सो सब पहले क्वेश्चन लिखो, एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस हाउ कैन वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली, ऑप्टिकली मतलब रिलेटेड टू द लाइट, जहां पर ऑप्टिक वर्ड आ जाता है, ऑप्टिकली आ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द लाइट। सेवंथ ए बेंच फर्स्ट बेंच, बेटा व्हाई यू आर नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू टू राइट, राइट डाउन, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे कम इन, ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है बेटा, अगर आप यहां पर नहीं करोगे यू कैन नॉट परफॉर्म इन योर एग्जाम, ओके। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द एग्जाम टू, ओके। सो हाउ कैन वी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली, सो फर्स्टली राइट डाउन द आंसर, डू नॉट जंप डायरेक्टली इन टू द 3 ऑब्जेक्ट्स, हमने सीधा जो है उन ऑब्जेक्ट्स पे जंप नहीं करना, ठीक है, कि वो क्या था। सो राइट डाउन फ्रॉम द एंगल ऑफ पैसेज ऑफ लाइट, पैसेज ऑफ लाइट वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट इनटू नाउ हियर वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम, हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। यस सेवंथ बी सेकेंड बेंच, यस बेटा, यस सेवंथ बी, आ जाओ बेटा एंड टेल मी योर नेम ऑल्सो, फर्स्टली टेल मी योर नेम देन स्टार्ट। मैम विराज कुमार, Yes, मैम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। That's really good. Wonderful, wonderful. Sit down. Everyone, हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? O T T, O T T, opaque. Translate parent.
एंड लास्ट ट्रांसल्यूसेंट। अभी जो बेटा हमने एग्जाम्पल लिया था विंडो वाला, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक था? वुडन, सेवंथ है फर्स्ट बेंच बेटा, बताओ। वुडन प्लैंक। प्लैंक, दैट्स रियली गुड। नाउ हु कैन टेल मी विच ऑब्जेक्ट वॉज ट्रांसपेरेंट इन विंडो एग्जाम्पल? सेवन सी से आंसर चाहिए मुझे, फ्रॉम सेवन सी। नाउ में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा था? यस मिडिल रोज थर्ड बेंच बॉय। आज बेटा यस ट्रांसपेरेंट कौन सा था बेटा, विच वॉज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? ग्लास। ग्लास, दैट्स रियली गुड। अब मुझे क्विकली सारे के सारे एक साथ बताएंगे, ए बी सी। ट्रांसल्यूसेंट कौन सा था? कटर। That's really good. चलो फटाफट अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि you already know about this. ओपेक क्या हो गया? If I take, okay, if I take this box, okay, and here I have laser also. Now laser light that is falling on this, can you see the light? Red color. It's little dim. Can you see now? Okay, leave it. I'll show you with another light. Okay. So this is light. It is falling on this box, but it is not passing through. Can you see the light here? But here. Yes or no? Yes. So it is opaque, translucent, or transparent? Okay. It's transparent. It's opaque. Transparent, नहीं opaque. So here you can see light cannot pass through the object. So you have many examples, okay? So write down this: light cannot pass through this object or pass through the object. ठीक है? Now I have plain glass here. So this is a plain glass. Now again, I'll show you light can easily pass through this. Can you see through this? This light, Yes. so it's a glass is a what? Say it loudly. सबने ब्रेकफास्ट किया है? नहीं किया ना? Yes, it's transparent because it allow passage of light. Allow passage of light. ठीक है, अब एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल बेटा। नाउ दिस इज अ पेपर दैट आई एम हैविंग, ओके। नाउ ऑन दिस साइड इट्स ऑलरेडी लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस, कैन यू सी लाइट? यस यस, नाउ इट इज प्रिटी क्लियर, है ना? अब दिख रही है सबको? यस अब क्या ये जो लाइट है ये उतनी है जितनी यहां पर अब आपको दिख रही है? यहां ज्यादा है या यहां ज्यादा है? तो ट्रांसल्यूसेंट। इसका मतलब पेपर क्या हुआ? ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, बिकॉज लाइट इज प्रिटी डिम, है ना? सो हियर वी कैन सी अलाउ पार्शियल पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ कैन बी क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली। स्टूडेंट यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज
ऑप्टिकली ना वर्ड आ गया, यू मे गेट कंफ्यूज्ड. यू मे नो अबाउट ओटीटी, ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलेशन, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो राइट डाउन अबाउट दिस हियर. अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैंने कहा ये पेपर बन गया हमारा ट्रांसल्यूसेंट, कैन यू मेक इट ट्रांसपेरेंट और ओपेक? कैन वी मेक दिस पेपर ट्रांसपेरेंट और ओपेक? सब सोचने लग पड़ी, क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, है ना? यू ऑल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस ना? यस यस. तो दिस इज सिंगल पेपर, सिंगल शीट है, इसमें मैं और शीट्स ऐड कर लूं, सो व्हाट डू यू थिंक, इट विल बिहेव लाइक दिस? कैन यू सी द लाइट नाउ? नो सो इट इज व्हाट इट बिकम, इट बिकम ओपेक. इसमें लेयर्स ऐड करते जाएंगे तो इट बिकम ओपेक. अब क्या इन्हीं लेयर्स को हम वापस ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या ट्रांसल्यूसेंट कर सकते हैं? कैसे? हु कैन टेल मी? मैंने शीट्स नहीं रिमूव कर रही, आई एम नॉट रिमूविंग शीट्स, बट हाउ कैन आई मेक इट ट्रांसल्यूसेंट? टेल मी, आई एम नॉट रिमूविंग एनी शीट, नाउ टेल मी. सेवंथ है, यस बेटा आ जाइए. यस, सम ड्रॉप्स ऑफ वॉटर सम ड्रॉप्स ऑफ विद वाटर और ऑयल ऑन ऑयल. पेपर. ऑयल, यस दैट्स गुड. ये तो सभी ने अपने देखा होगा एग्जांपल, रोटी पैक करके लाते हो, खाना पैक करते हो, नहीं करते? से यस और नो. मैं तुम्हारी रोटी थोड़ी ना खाऊंगी, पूछ रही हूँ सिर्फ, आई एम जस्ट आस्किंग यू, आई एम नॉट गोइंग टू हैव योर मील. हाँ टेल मी, खाते हो ना सर, रोटी खाते हो, पैक होती है. आप परांठा अगर लेके आए हो तो वो जो टिश्यू पेपर होता है या फिर उसमें अगर बटर पेपर लगा रखा है तो क्या हो जाता है, वो लाइट हो जाता है, आर पार दिखते हैं उसमें से. तो वही चीज, अगर मैं इन शीट्स को मस्टर्ड ऑयल या किसी ऑयल में, कोकोनट ऑयल में डाल दूं और फिर रिमूव करूं, दे टर्न ट्रांसल्यूसेंट. ठीक है, सिट डाउन बेटा, गुड. ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, क्योंकि वट एवर वी आर स्टडिंग टूडे इट्स अ रिविजन और कॉन्टिन्यूशन ऑफ वट यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास सिक्स. ठीक है, तो हम क्लास सिक्स को क्विकली लेके आ रहे हैं आपके क्लास सेवन्थ में, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस. ठीक है, जो लाइट है दैट यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ, हाउ इट इज कमिंग, हाउ इट इज ट्रेवलिंग, टेल मी कैसे आ रही है लाइट? स्ट्रेट लाइन आ रही है. किसने बोला? चलो हैंड खड़े करो, चलो रेज योर हैंड. किसने किस किसने बोला ये? बोला तो बहुतों ने, मैं बता भी सकती हूँ किस किसने बोला है. ठीक है, सो इटसेल्फ रेज योर हैंड, अपने आप अच्छी तरह हैंड्स रेज करो बेटा. जब बोला है सो से इट क्लियरली, बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू सेड. हाँ यस, एक का अभी मुझे हैंड रेज हुआ है, लेकिन मैंने सेवन्थ ए में से भी तीन स्टूडेंट्स को देखा था बोलते हैं, तो बेटा अपने आप हैंड रेज कर लो. यस सेवन्थ भी आपसे भी देखा था. अब देखो, अगर मैंने कह दिया कि वो आंसर सही था तो बहुतों के हैंड रेज होने वाले हैं, बहुतों के हैंड रेज होंगे, हम निकलने लग पड़े हाथ सबके साइड से, है ना? और अगर मैं गलत बोल दू वही धीरे धीरे जो है नीचे को चले जाएंगे. वाई सो? आंसर यस और नो ही होगा ना, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, बीच वाला तो कोई है नहीं हमारे पास रास्ता. यस और नो ही होगा, सो बी कॉन्फिडेंट. कुछ बोलोगे तभी याद रहेगा, अगर बोलोगे हाँ मैम यही था तब आपको याद रहेगा मैंने तो सही आंसर बोला था. अगर गलत बोला है तब भी याद रहेगा कि अरे मैंने ये आंसर बोला था, इट वॉज रॉन्ग, इसका आंसर तो मैम ने ये बताया था, तब भी आपको याद रहेगा. सो डू पार्टिसिपेट, जितना पार्टिसिपेट करोगे ना क्वेश्चनिंग में और आंसरिंग में, इट इज यूजफुल टू यू ओनली. ठीक है, सो नाउ आई कैन सी सेवंथ है स्टूडेंट, सो वंडरफुल, बहुतों के ऑलमोस्ट आई कैन सी सभी के हाथ खड़े हैं, दैट्स गुड. सेवन सी, सेवन सी के जो दो तीन थे वो भी नीचे हो गए, सेवन बी के
वो भी नीचे हो गया जो लास्ट के दो तीन बच्चों ने उठाए थे। चलो सो आंसर इज यस, ठीक है आंसर सही था आपका कि यस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट वे, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, जो लाइट सीधी जा रही है ठीक है उसको क्या कहते हैं, मोशन। सबको याद है, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशंस, किस किस को याद है, हैंड रेज करो, रेज योर हैंड्स, मोशन सबको याद है, मोशन मींस मूवमेंट है ना, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं। अब मुझे बताओ मोशंस में कौन कौन से मोशंस पढ़े थे, कोई नाम, बस नाम बताओ, मैं आगे नहीं बीच में पूछने लगी क्योंकि वी आर स्टडिंग अबाउट लाइट। पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑक्सीलेटरी। दैट मीन्स सब अच्छे बच्चे हो, सबको सब याद है। अब मैंने ये क्यों पूछा, हम तो लाइट के बारे में पढ़ रहे थे ना, अचानक से मोशन कहाँ से आ गया, सोचो इसके बारे में, थिंक अबाउट दिस, अगर लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट वे तो उसका मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर, दैट्स गुड ठीक है। सो लाइट इज हैविंग रेक्टिलिनियर मोशन, और उसकी जो प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब होता है आगे को बढ़ना, जो चाल है उसकी, लाइट इज हैविंग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। राइट डाउन बेटा ये क्वेश्चन और इसको ऐसे लिखो, चलो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है अब जो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है उसको हम कैसे बता सकते हैं कि हमने जो बोला वो सही है, वी आर स्टडिंग साइंस, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बेटा, हम ऐसे गप्पे नहीं मार सकते कि हाँ ये ऐसा होता है ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। घर पे अगर आपने अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर या अपने जो है कोई भी किसी को पढ़ाना है आगे चल के कि लाइट तो भैया स्ट्रेट लाइन मूव करती है, कैसे बताओगे कि मैंने पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, साइंस के स्टूडेंट हो, एक्सपेरिमेंट करो और बताओ। लाइट अगेन, यू कैन सी द लाइट, अब जो है ये लाइट जो है मैं आपको कैमरे के थ्रू दिखाती हूँ, लेट मी शो यू, कैन यू सी द लाइट हियर, आ रही है ना सीधी, यू कैन इजली सी द लाइट दैट इज कमिंग दिस रॉड, नाउ लेट मी बेंड दिस रॉड, लेट सी क्या हमें वो लाइट दिखेगी, मैंने इसको बेंड कर दिया, सेम रॉड है सेम लाइट सोर्स है, कैन यू सी द लाइट, बट लाइट तो अंदर है, ये देखो मैं सीधा करती हूँ फिर से आपको दिख जाएगी, कैन यू सी द लाइट, बट जब मैंने बेंड किया वो नहीं दिखा, बाय। बेंच यस सेवंथ ए बेंच, बेटा बोलो सारे बोलो क्या है, बिकॉज लाइट कांट बेंड है ना, हमने अगर पाइप बेंड कर दी इसका मतलब ये थोड़ी ना लाइट ही बेंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट की तो प्रॉपर्टी है लाइट कांट बेंड, ठीक है सो लाइट कैन लाइट बेंड, नो लाइट कैन नॉट बेंड, लाइट कैन नॉट बेंड बिकॉज इट ट्रेवल रेक्टिलिनियरली, और इसका एक्सपेरिमेंट अभी मैंने आपको दिखाया और आपके जो चैप्टर है उसमें भी है बेटा, अगर हम कोई कार्डबोर्ड ले लें सेम उस पे रखें लेवल पे, ठीक है ये हमारे पास कार्डबोर्ड है तीन, सेम लेवल पे रख दिए, सेम लेवल पे अगर हम होल्ड करें इनमें एंड द पर्सन इज हियर, ये उसकी आंख दिखा दी मैंने, और यहाँ पर अगर हमारे पास कैंडल है या कोई भी लाइट सोर्स है ठीक है जो कि इसके थ्रू जा रहा है कहाँ, आंख में, सो पर्सन कैन इजली सी दिस फ्लेम, ठीक है उसे कैंडल की रोशनी आराम से दिखेगी अगर ये तीनों के तीनों होल्स जो है सेम लेवल पे, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स लीनियरली रेक्टिलीनियरली, बट इन केस मैं किसी एक को बंद कर देती हूँ यहां से और इसको यहां बनाती हूँ, डू यू थिंक दिस पर्सन कैन सी द लाइट नाउ, अगेन द आंसर इज, वट इज द आंसर, नॉट बेंड, अब लाइट ऐसा तो नहीं है ना उसको दिखाने के लिए कभी यहां से आ जाएगी फिर वापिस इधर जाएगी, नो लाइट कैन नॉट डू दिस, सो दैट्स द रीजन,
light cannot bend. So light cannot follow this path. Light only follow this path. That's the reason. Got this? So now moving to next. अब लाइट जो है हमें दिखती है चारों तरफ है ना। अब मुझे पहले एक चीज बताओ, हमने जो ओटीटी पढ़ा है ना, अब मुझे बताओ हमने जो ओटीटी पढ़ा उसमें हमने जो पढ़े, अब मुझे बताओ उसके बेसिस से बताओ, दिस मिरर इज ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट, व्हाट इट इज ट्रांसपेरेंट एंड व्हाट अबाउट दिस ग्लास? ट्रांसपेरेंट ओके, अब ये मिरर कैसे बना है? अगर हम हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे, ये भी शीशा है, ये भी शीशा है, राइट और रॉन्ग? अब इस ये जो ग्लास है प्लेन ग्लास, उससे हम प्लेन मिरर कैसे बना सकते हैं? ये 7C मिडल रो बॉय आ जाओ बेटा, कैसे बनाएंगे हम? But first we need a normal glass. When we there is a special type of paint, we have to pour it on the back side of a glass. Now it can reflect our images. That's good, that's good. Sit down. अब ये मेरे पास ग्लास है, अगर मैंने इसके यहाँ पीछे वाली साइड कलर कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये आगे वाला जो है हमें कैसा नजर आएगा? चमकता हुआ, शाइनी सरफेस, वेयर और ऑन दैट पार्ट वी कैन सी आर इमेज। लेट्स मेक अ मिरर, चलो स्टार्ट करो बनाना। दिस इज अ प्लेन ग्लास, ओके बेटा, इट्स अ प्लेन ग्लास। इट्स अ ग्लास, ठीक है। अब ये जो ग्लास है इसको हमने क्या बनाना है? मिरर। तो उसके एक जगह कोई शाइनी वाला पेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के आपने कर दिया। अब शाइनिंग वाले कौन सी जो है मेटल्स हैं जो हम इस पे स्प्रे कर सकते हैं? कोई बता सकते हैं नाम, क्या स्प्रे करें हम इस पे तो ये शाइनिंग बन जाए? क्योंकि अगर हमने काला पेंट कर दिया, आपको लगता है कि आप अपनी शक्ल देख सकोगे? नो, यू कांट सी। तो हमें शाइनिंग वाला चाहिए, सो वी कैन स्प्रे हेयर मेनली फोर मेटल्स, इधर ऑफ कोई भी एक, यानी कि चारों के चार इकट्ठे कर दिए, ठीक है। सिल्वर, जिसका सिंबल होता है बेटा Ag, गोल्ड जिसका सिंबल होता है Au, अच्छा या फिर निकल जिसका सिंबल Ni, और लास्ट होता है अगर हमारे पास और नहीं है तो क्रोमियम जिसका होता है Cr। सो इन चारों में से किसी एक का स्प्रे किया जाता है ऑन द बैक साइड ऑफ द ग्लास। अब वो शाइनिंग बन गया, शाइनिंग आ गई, बहुत ज्यादा शाइनिंग आ गई, और ये ड्राई हो गया। अब क्योंकि ये मेटल है, खराब हो सकता है ओवर द टाइम, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑरेंज और ब्राउनिश कलर की एक लेयर लगाई जाती है पेंट की। कौन सा पेंट? लेड ऑक्साइड। अब यहां पर हमारा जो फ्रंट वाली साइड से जो है आर मिरर इज रेडी, अब ये वाली जगह से जो है हम अपने आप को देख सकते हैं, वी कैन सी आर सेल्फ हियर, ठीक है। अब हम अपने आप को यहाँ पर हम नजर आएंगे, वी कैन इजली सी आर सेल्फ, आर मिरर इज रेडी। इवन अगर आपके घर में प्लेन ग्लास पड़ा है कोई, सो एल्युमिनियम फॉइल तो होती है आजकल सभी के घरों में ना, एल्युमिनियम फॉइल एक साइड लगा दो, अब उसको भी आप एज ए मिरर यूज कर सकते हो फिर, क्योंकि एल्युमिनियम भी शाइनिंग है, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, यू कैन मेक एट योर होम ऑल्सो प्लेन मिरर।
ठीक है, इज इट क्लियर? हाउ कैन वी मेक अ प्लेन मिरर? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, यस एवरीवन। और जिसको नहीं समझ आया वो हैंड नहीं उठाएगा, और मैं उससे पूछूंगी क्या समझ नहीं आया। यस, सबको समझ आ गया प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं? ओके, सेटल डाउन, हैंड्स डाउन। ये हो गया मिरर। अब हमने एक बार बार एक वर्ड यूज किया, हमने एक वर्ड यूज किया, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके आती है। अभी मुझे किसी बच्चे ने बताया भी था, जब प्लेन मिरर की हमने बात की थी, है ना, कि कैसे बनाते हैं, जब उन्होंने बताया, सो ही टोल्ड मी आफ्टर वी स्प्रे पेंट लाइट रिफ्लेक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्ट? क्या होता है रिफ्लेक्ट? आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड रिफ्लेक्ट, कैन यू एक्सप्लेन मी? यस, सेवंथ बी सेकंड बेंच। यस बेटा बताओ रिफ्लेक्ट क्या होता है? देन सेवंथ सी मिडिल रो सेकंड लास्ट बेंच गर्ल, यू विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्ट? रिफ्लेक्ट मीन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट्स गुड, सिट डाउन। अब सेवंथ सी से आ जाओ मिडिल रो सेकंड लास्ट बेंच गर्ल, आ जाओ बेटा, रिफ्लेक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? आ जाओ आ जाओ, आप ही को बोल रही हूँ, आ जाओ आ जाओ। यस यस, सेवन सी आ जाओ बेटा। क्या होता है बाउंसिंग और रिफ्लेक्टिंग? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब बताओ। यस ठीक है बेटा, जो भी आपको समझ आता है टेल मी, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। फर्स्ट बेंच गर्ल्स क्या बोल रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा बेटा, माइक ऑन करो। मैम, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब नहीं पता बेटा? ओके चलो, सिट डाउन सिट डाउन। तो मैं अभी बता देती हूँ, अभी आपको मेरे हाथ में बॉल दिख रही है, सबको दिख रही है? यस अगर मैं इसको फेंकू ग्राउंड पे तो ये वापस आएगी? आएगी? अगर मैं इसको फेंकू इट कम बैक, है ना, आगे वापस। इसको हम क्या कहते हैं? यस इसको हम क्या कहते हैं? बाउंस, बाउंसिंग बाउंस कहते हैं। ऐसे ही जब लाइट, ये लाइट है सपोज कर लो, ये गिरी और ये हमारी आंख पे आ गई, कैसे आई? बाउंस होके, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग, रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस होना, वापस आना। कहां से आएगी? किसी से टकरा के आएगी, कुछ चीज होनी है जिससे वो टकराएगी। अब मुझे बताओ, अभी हमने OTT पढ़ा है ना, OTT सबने पढ़ा, अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक में से, ऑब्जेक्ट में से, इन तीन ऑब्जेक्ट में से किस में से लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस होके आएगी? ये सेवेंथ है, फर्स्ट बेंच मिडिल रो बॉय, बेटा बताओ। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसलूसेंट और बाकी सब मैम सेवेंथ सी ओपेक, सेवेंथ बी ओपेक। सो यस, लाइट विल कम बैक फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा जो ट्रांसपेरेंट है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है इससे तो लाइट चलेगी पूरी की पूरी, इससे तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तभी हमें जो है वो शीशा नहीं दिख रहा ना, बिकॉज लाइट इज कंप्लीटली पासिंग थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, ग्लास से। अब हमारे पास, हमने शीट का एग्जाम्पल लिया था और वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू पेपर, कुछ लाइट इसमें से जा रही है, पास हो रही है ना। अब हमारे पास यहाँ पर वुडन प्लैंक है, इट्स अ वुडन प्लैंक, लाइट इसमें से नहीं जाएगी, बाउंस हो जाएगी, आई और बाउंस हो जाएगी। सो ओपेक ऑब्जेक्ट शो अस रिफ्लेक्शन, राइट डाउन, ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स
show us reflection. डन। अब आ जाते हैं अभी बेटा, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, सो अभी हम सिर्फ जनरल पढ़ते हैं, ठीक है? अभी हम डीप में नहीं जा रहे। सो अभी हमने जो जो पढ़ा है, ठीक है, उसको फटाफट थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है? सो लेट्स, और उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट। सो दिस इज अ प्लेन मिरर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? सरफेस स्मूथ होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए। अब लाइट जो है, यहाँ पर ये लाइट का सोर्स है, इससे लाइट जो है यहाँ पर गिर रही है। हु कैन टेल मी व्हाट इट इज कॉल्ड? इस लाइट को क्या कहते हैं? ये जो सरफेस पे गिर रही है, जो हमने बॉल थी, गिरते हुए बॉल को हमने क्या कह रहे हैं? लाइट है, ये लाइट गिर रही है। गिरने वाली लाइट को क्या कह रहे हैं? अभी ग्राउंड पे जो गिर रही है, बाउंस नहीं हुई अभी, क्या कहते हैं उसको? यस, सेवंथ बी, लास्ट बेंच बॉय। यस बेटा, व्हाट डू वी कॉल इट? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दैट्स गुड। सो एवरीवन, सबने ड्रॉ करना बेटा, बैठना। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और लाइट, नो डाउट। अब जैसे हमने अपनी बॉल जब फेंकी, उसके बाद जब ग्राउंड पे लगी, वो वापिस आई, उसको हमने क्या कहा? बाउंस्ड, है ना? और यह रिफ्लेक्टेड बॉल। अब ऐसे ही जब यहां पर लाइट टकरा गई इस सरफेस से, तो वो क्या होगी? वापिस चली गई। सो नाउ व्हाट डू वी कॉल इट? क्या कहेंगे इसको? बोलो, क्या कहेंगे बेटा इसको? रिफ्लेक्टेड रे। यस, इट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे और ब्राइट और लाइट। अब ये जहां पर ये मिल रहे हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर, सीधी एकदम, ठीक है? एंड व्हाट डू वी कॉल इट? नॉर्मल। वी कॉल इट नॉर्मल, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब यहां पर ये जो एक एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच, व्हाट डू वी कॉल इट? ये बेटा हमने पहले पढ़ा हुआ है क्लास सिक्स में भी। व्हाट डू वी कॉल इट? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम शो करते हैं आई से, एंगल आई। तो एंगल आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम ऐसा ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनता है, क्या कहेंगे उसको हम? एंगल
in angle of reflection. Yeah, that's good. So it is called angle of reflection. अब ये जो नॉर्मल प्लेन है बेटा, ये नॉर्मल है और यहां तक हमारी तो लाइन यहां तक जा रही है, ये जो सरफेस है वो यहां तक है। तो यहां पर ये जो एंगल होता है, ये वाला जो इंसिडेंस लाइट के इस साइड है, यहां इन दोनों के बीच, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ग्लांस। एंगल ऑफ ग्लांस। सिमिलरली इस साइड भी है, इस साइड वाले को कहते हैं एंगल थीटा। इसलिए जो ऐसा बना हुआ है इसको थीटा कहते हैं। ओके, वी कॉल इट थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, हम तो कहते हैं लाइट जो है सीधी जाती है, मतलब इस लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो बाउंस होगी, सरफेस कोई ओपेक सरफेस मिला उसे बाउंस होगी। तो एक्चुअल जो रास्ता था लाइट का वो क्या रहा होगा? द एक्चुअल पैसेज ऑफ लाइट शुड बी जो असली में होना चाहिए था, है नहीं लेकिन होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था, बिकॉज वी सेड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट वे रेक्टिलिनियरली, बट बिकॉज ऑफ ओपेक सरफेस, ठीक है, कोई चीज उसको रास्ते में मिल गई, वो मुड़ गई, ठीक है, वो इस वजह से मुड़ गई। अगर नहीं होती तो क्या होता? ट्रांसपेरेंट होता तो क्या होता? लाइट ऐसे जाती, जो उसका रास्ता है वो वैसा ही फॉलो करती। तो अब जो ये लाइट थी, जो अपना असली का रास्ता थी, उससे वो भटक गई। भटकने को क्या कहते हैं? भटकने को क्या कहते हैं बताओ? अगर आप स्कूल, किसी और स्कूल में गए हो या कोई टॉल बिल्डिंग में गए हो, आप जो है रास्ता भूल गए, भटक गए, क्या कहोगे? या फिर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, अचानक से आपके फ्रेंड आके जो आपसे कोई गॉसिप करने लग जाए, तो आप स्टोरी से क्या हो गए? डिविएट। क्या हो गए? डिविएट। ये लाइट भी क्या होगी? डिविएट। तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, सो इट्स एंगल ऑफ डिविएशन। इट्स एंगल ऑफ डिविएशन जो कि यहां से होता है, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ना बेटा, क्योंकि ये दोनों के बराबर है, तो ये अगर हम एंगल ऑफ ग्लैंस से कंपेयर करें तो एंगल ऑफ ग्लैंस क्या दुगना है, ट्वाइस है, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ ग्लैंस है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अब परपेंडिकुलर लाइन पे है, तो इनका सम क्या होगा? मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है? 90 डिग्री। यस, तो इसका मतलब अगर हम कहें एंगल ऑफ ग्लैंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है। और नेक्स्ट अगर हम इनके लॉज की बात करें, जो रिफ्लेक्शन है उसके कुछ लॉज है, क्या लॉज है? हु कैन टेल मी? अगर किसी को याद हो लास्ट ईयर वाला, किसी को याद है? अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने ये बॉल जब फेंक रही हूँ, है ना, मैं नीचे फेंक रही हूँ, इंसिडेंट कर रही हूँ, ठीक है, इंसिडेंट करके वहीं पर आ रही है, मेरे हाथ पे आ रही है, यस, जितनी मैं जोर से फेंकूंगी, ठीक है, उतनी जोर से मेरे पास आएगी, उतनी फास्ट से आ रही है, स्लो करूंगी तो स्लो आएगी, यस और नो? ऐसे होता है ना ऐसे। अब जो है ये लाइट, ये जो यहाँ पर बाउंस कर रही है, जितने एंगल से बाउंस करेगी उतने ही एंगल से, सॉरी, इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल से बाउंस बैक करेगी,
मतलब जैसे जितनी स्पीड से अगर मैं बॉल फेंक रही हूँ उतनी स्पीड से वापस आ रही है, ये देखो। तो वैसे ही लाइट जो है जितने एंगल से आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही जो एंगल ऑफ आर होएगा। तो फर्स्ट रूल जो हमें कहता है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ, राइट डाउन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये चीज आपके आगे वाली क्लासेस में भी काम आएगी, सो इसको बहुत अच्छे से बनाना। डायग्राम सबने बना लिया है, रेज योर हैंड। सबके डायग्राम बना था पहले वाला, सेवंथ यस बी, सबका डायग्राम बन गया है, क्योंकि बेटा वो इंपॉर्टेंट है विद लेबलिंग, ठीक है। चलो आ जाओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, पहले जो था बेटा जो डायग्राम बनाया था, इंसिडेंट लाइट जो आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उनके बीच का जो एंगल है आई और आर, इट इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ये कहता है। जो मैं आपको बार बार एक चीज बोला है, अगर मैं बॉल को स्पीड से जिस एंगल से फेंक रही हूँ उसी एंगल से वो वापिस आ रही है, सेम लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापिस आएगी, ठीक है। फर्स्ट इज दिस, देन ये कहते हैं इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइट ऑन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब होता है पहले तो ये बताओ, अगर हम किसी चीज को कहते हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, दे लाई ऑन सेम प्लेन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। ये मेरे पास सपोज कर लो एक लाइट है या कुछ ऑब्जेक्ट है, अब मुझे इसको, ये इस प्लेन पे है, ठीक है, ऐसे है। अगर मेरे पास ब्लेड है, सपोज कर लो ब्लेड, सबको पता है ना क्या होता है, मेरे पास ब्लेड है, अब मैं इसे कट करूंगी, सपोज कर लो ऐसे चल रही हो तो ये ऐसे ऐसे जितना है वो कटेगा, तो सारा बराबर कटेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कटेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके साथ मैं एक और रख लेती हूँ, जैसे अभी हमने बनाया, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। वेट, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम नॉर्मल प्लेन कह रहे हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय कि नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ये ऐसे ही है, ठीक है, जैसे अभी हमने बनाया, ठीक है, ऐसे है। अगर मैं इसे कट करूंगी, मैं ऐसे कट नहीं कर रही, जब मैं ऐसे को आऊंगी, ओके, इफ आई एम कटिंग इट फ्रॉम लाइक दिस, तो ये इक्वली कटेगा ऐसे, ठीक है, यहां से बराबर है, एक पोजीशन पे है, ऐसा नहीं यहां से ज्यादा कटेगा यहां से कम कटेगा, सब बराबर से, जितना इसका बचेगा पार्ट उतना ही दूसरे का बचेगा, ऐसे को काटते जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, इरेजर है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इरेजर को कट करूं ऐसे यहां से बीच से, तो कैसा होगा, बराबर ही आएगा ना मेरे पास, सेम प्लेन से ऐसे काटूंगी सीधा, तो उसको हम कहते हैं सेम प्लेन, ठीक है, सब एक ही जगह जो है वहां पर खड़े हैं, गॉट इट। अगर जैसे फर्स्ट बेंच के बच्चे जो हैं सबकी जो है अगर डेस्क बराबर है, मुझे सेकंड बेंच से उन्हें अलग करना है, तो मैं तीनों को एक साथ अलग कर दूंगी, तो तीनों एक ही प्लेन में हो गए, अलग प्लेन में नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं सेवंथ बी की बात करूंगी, सेवंथ सी, सेवंथ ए, तो सेवंथ ए के अगर तीनों डेस्क जो फर्स्ट वाले मुझे ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं आगे पीछे है, लेकिन आई थिंक सेवंथ बी में बराबर है, तो सेवंथ बी के जो तीनों जो बेंचेस हैं फर्स्ट वाले,
उनको अगर मुझे बाकी सबसे अलग करना हो तो मैं तीनों को जो है ऐसे आगे एक साथ ले आऊंगी, तो तीनों बराबर आएंगे, एक नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और क्या बन गया, इंसिडेंस। तो ये इस तरह से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है सब, क्योंकि एक ही प्लेन में आगे पीछे नहीं है। अगर मुझे इनको अलग करना है फर्स्ट डेस्क डेस्क को, तो मैं इजिली कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय सेम प्लेन, गॉट इट? इज इट क्लियर कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? यस yes? नहीं। चलो मुझे कौन बताएगा लॉ ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? सॉरी, लॉ नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मल बताओ जो तुम्हें समझ आया। यस, 7B से रोल नंबर 10, 7B रोल नंबर 10 है प्रेजेंट। आ जाओ बेटा, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फर्स्ट लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इंसिडेंस और ऑयल, इंसिडेंस का क्या मतलब होता है बेटा? इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका क्या मतलब है, पहले तो ये बता दो। अच्छा, कौन बता सकता है इंसिडेंट लाइट क्या होती है? हु कैन टेल, हु कैन टेल व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट लाइट? सबने मुझे पहले बहुत बताया, अब जो मैं पूछ रही हूँ तो बता नहीं रहे। इंसिडेंट लाइट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट लाइट? क्या होती है इंसिडेंट लाइट? सिंपल लाइट दैट इज कमिंग टुवर्ड्स अ सरफेस और दैट इज सपोज टू हिट अ सरफेस, इजंट इट? जो लाइट पड़ने वाली है, जो हमने भी बॉल के एग्जांपल लिया, जो मेरे हाथ से छूट रही थी, जो सरफेस पे जा रही थी, वैसे ही जो लाइट जो है किसी सरफेस पे जाने वाली है, दैट इज इंसिडेंट लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है? चलो ये तो बता दो, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है? अच्छा, इसके लिए तो मैंने काफी के हैंड देख लिए। आप बताओ बेटा क्या होती है रोल नंबर 10, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है? मैम, रिफ्लेक्टेड लाइट लाई ऑन सेम प्लेन। यस, लाई ऑन सेम प्लेन होती क्या है? अच्छा, आप ही के साथ मुझे एक लड़का बैठा, बेटा आप आ जाओ, जो आप ही के साथ बैठा था, आप आओ। क्या होती है रिफ्लेक्टेड लाइट? आपका हैंड रेज है। और बेटा आपने सुनना है, जिनके हाथ नहीं खड़े थे प्लीज लिसन इट केयरफुली, इसी से आगे आपका चैप्टर चलना है। मैम, रिफ्लेक्टेड रे विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस विच इज अपेक। Yes, जो रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक द लाइट दैट हैज बीन बाउंस बैक, ठीक है, जो टकरा के वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आप बताओ रोल नंबर 10 क्या समझ आया, कैसी लाइट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक लिया या टर्न ऑफ है? आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई बेटा। अच्छा चलो ये बता दो, समझ आ गया कि क्या बोला? चलो बैठ जाओ। सो बेटा यू शुड अंडरस्टैंड दीज माइन्यूट थिंग, इंसिडेंट जो हिट कर रही है, ठीक है, सरफेस को, रिफ्लेक्टेड जो हिट करके वापस आ रही है, टकरा के वापस आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये बेटा आपके आगे लेंसेस, मिरर सब में भी आएगा, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट है रेज योर हैंड, अगर किसी को कोई डाउट है रेज योर हैंड बेटा, क्योंकि डाउट के साथ आगे मत चलना। क्लियर है सबको? क्लियर है?
चलो फटाफट क्वेश्चन लिखो, आपका होमवर्क देती हूँ। राइट डाउन क्वेश्चंस। व्हाट इज इंसिडेंट लाइट? व्हाट इज इंसिडेंट लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्टेड लाइट? व्हाट इज रिफ्लेक्टेड लाइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थ्रू विच ऑब्जेक्ट लाइट कैन रिफ्लेक्ट? थ्रू विच ऑब्जेक्ट लाइट कैन रिफ्लेक्ट? सो दीज थ्री क्वेश्चंस यू हैव टू डन बिफोर योर नेक्स्ट क्लास, सबने करके रखने हैं, ठीक है? सो नाउ योर मैथ क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट एंड टीचर्स मैम प्लीज रीजॉइन द सेशन, ओके? आई एम लीविंग द क्लास एंड प्लीज रीजॉइन द सेशन अगेन।